हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मान्या एजुकेशन। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ CBSE बोर्ड कक्षा 7 की हिंदी से एक कहानी जिसका नाम है कंचा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी को। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मज़ा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशे से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह ना कुछ सुन रहा था ना कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मज़ेदार कहानी, कौए और सियार की। सियार कौए से बोला, प्यारे कौए, एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौए ने गाने के लिए मुँह खोला तो रोटी का टुकड़ा ज़मीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9:11 हो गया। 9:11 होना मतलब ये एक मुहावरा है। 9:11 का मतलब होता है भाग जाना। तो जैसे ही जो बच्चा ये कहानी सुन रहा है कौए और सियार की, इसमें होता क्या है, जो सियार होता है वो कौए को बोलता है कि तुम गाना गाओ ना, मैं तुम्हारा गाना सुनना चाहता हूँ। तो जैसे ही कौआ अपनी गाना गाने के लिए चोंच खोलता है, वैसे ही रोटी का टुकड़ा जो है वो उसके चोंच से गिर जाता है और सियार वो लेकर के टुकड़ा लेकर के रोटी का भाग जाता है। वह जोर से हंसा, बुद्धू कौआ। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वह अलमारी में कांच के बड़े 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 जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्किट थे। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों, देखिए उसके पिताजी ये सब चीज़ें बराबर ला देते हैं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकर्षित किया। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर टाकता रहा। नया नया लाकर रखा गया है उसमें, उससे पहले उसने यह चीज यहाँ नहीं देखी थी। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? तो ये जो बच्चा था इसने क्या किया, पहली बार जो है ये जार यहाँ पर देखा था। इसमें क्या थे, बड़े ही प्यारे प्यारे कंचे थे, वो उसको बिल्कुल आंवले के जैसे दिख रहे थे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। शायद दुकान के अंदर अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा, वह आसमान में बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया। मतलब जो जार था वो बिल्कुल आसमान के जितना बड़ा हो गया और वो जो बच्चा था वो भी उस आसमान में पहुंच गया। वो कंचे का जार बिल्कुल आसमान बराबर हो गया। वहाँ और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहता। तभी एक आवाज़ आई, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा, जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ दो जने वहाँ हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूंगा। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। क्या चाहिए, क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया, निषेध मतलब होता है न। उसने बच्चे ने न में सिर हिला दिया। दुकानदार ने उससे पूछना चाहा कि उसे कंचे चाहिए, तो उसने मना कर दिया कि नहीं, न में उसने सिर हिला दिया। तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए, क्या चाहिए? उसे खुद मालूम नहीं। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। जार जो छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था, लिया होता तो। स्कूल की घंटी सुनकर वह वस्ता थामे दौड़ पड़ा। तो उस बच्चे को नहीं पता था कि उसे क्या चाहिए, कंचा चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन जार छूने पर जो उसको स्पर्श हुआ कंचे का, वो एक अलग ही एहसास था। वो चाहता तो कंचा ले सकता था। अब उसके मन में ये प्रश्न था, अगर वो कंचा ले लेता तो। अचानक से फिर स्कूल की घंटी जो है वो बजती है और बच्चा जो है बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ता है। देर से पहुँचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा, इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच की आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मार खा जाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता।
हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी ज़मीन पर रखनी होगी। तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, जो जॉर्ज से हार जाता है कंचे की रेस में या कंचे के खेल में, तो जो हारने वाला बच्चा है या व्यक्ति है उसको अपनी मुट्ठी बनानी पड़ती है, और जो जॉर्ज है वो कंचे अपनी मुट्ठी में कंचे लेकर के क्या करता है, हड्डी तोड़ता है, जोड़ों की हड्डियाँ तोड़ता है। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना, उसे रामन ने यह सूचना दी थी, उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था, रेलगाड़ी पृष्ठ 37 यानी कि 37। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेंच से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। तो जब बच्चों को डराते डराते मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, जो उनके हाथ में पैंत है उससे मेज पर कुछ ठोक रहे हैं और बच्चों को बोल रहे हैं कि तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। यहाँ पर यानी कि यहाँ पर भाप के इंजन के बारे में बताया जा रहा है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों में घरों के चूल्हे में भी यानी कि भाप जो बनती है चूल्हे में भी बनती है, तो वो यहाँ पर बता रहे हैं मास्टर जी। अप्पू ने भी सोचा, रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है, छुक छुक यही रेलगाड़ी है, वह भाप की भी गाड़ी का मतलब अभी उसका ध्यान आधा जो है वो कक्षा में है और आधा ध्यान अभी भी कंचों की ओर ही है। तो यहाँ जो सर जो उसके मास्टर जी कह रहे हैं भाप की गाड़ी भी है रेलगाड़ी, तो उसको मतलब समझ में नहीं आया। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊँची थी, वे रेलगाड़ी के हर किस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए एक खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं, यह लोहे का बड़ा पीपा है। तो बॉयलर मतलब क्या, रेलगाड़ी में जिस खास जगह पर पानी रखा जाता है उसे जो है बॉयलर कहा जाता है। ये लोहे का एक बहुत बड़ा पीपा होता है, लोहे का एक बड़ा कांच का जार। अब ये जो बच्चे के ख्याल हैं वो वापस उसको अपने काबू में करने लगते हैं कंचों को लेकर के। उन्होंने जो मास्टर जी थे वो लोहे का एक बड़ा पीपा बोल रहे थे, लेकिन उसको सुनाई क्या दे रहा था, लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज अब अच्छा होकर आ जाएगा, तब उससे कहेगा, उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। उसके चेहरे पर चौकत, अब बच्चा अपने ख्यालों में खोया हुआ है, इधर मास्टर जी ने उसके मुंह पर चौक का टुकड़ा फेंका उसके चेहरे पर, तो चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं, अरे तू उधर क्या कर रहा है, उसका दम घुट रहा था, बोल। वह खामोश खड़ा रहा, क्या नहीं बोलेगा। वे अप्पू के पास पहुंचे, सारी कक्षा सांस रोके उसी तरफ देख रही थी, उसकी घबराहट बढ़ गई। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था, कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में कुछ और है, शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो, अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है, इसी में उनकी सफलता है। हाँ हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था, हाँ हाँ, जैसे बच्चा कुछ बोलने वाला होता है तो मास्टर जी ने देख कर के बोला, हाँ हाँ बोलो। वह कांपते हुए बोला, कंचा। मास्टर जी ने बोला, कंचा? वे सकपका गए। कक्षा में भूचाल आ गया, स्टैंड अप। मास्टर जी की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा, पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा, फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका, सुबकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया, सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, रामन, मल्लिका, सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा, इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये सब ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है, हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तब शक हुआ, कंचा मिले कैसे, क्या मांगने पर दुकानदार देगा। जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो,
तो अब बच्चे के मन में ये सवाल थे कि कंचे मिले कैसे, अब किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। क्या किसी को कोई शक नहीं? अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा, अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे। तो अभी क्या है, जो मास्टर जी हैं वो तो रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न में शक का पूछ रहे हैं, रेलगाड़ी के पाठ में किसी को कोई शक है वो पूछ रहे हैं, लेकिन जो अप्पू हैं अपने, उनके मन में अभी भी क्या है, कंचों के जो विचार हैं वो उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं। रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। अमिनी ने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने यह दोहराया। अप्पू क्या सोच रहे हो, मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ना, शंका क्या है, शंका जरूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे। क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में। क्या सोच रहे हो, पैसे क्या, कितने पैसे, किसके लिए। वह कुछ नहीं बोला। तो बच्चे ने जो इस तरीके के प्रश्न मास्टर जी से पूछे, लेकिन मास्टर जी भी समझ ना सके कि इसके मन में चल क्या रहा है। तो इस पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा क्या रेलगाड़ी के लिए। उसने सिर हिलाया। बेवकूफ़, रेलगाड़ी को पैसे से नहीं खरीद सकते, अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा। तो अब जो पैसे की बात हो रही थी, तो मास्टर जी को लगा कि शायद वो पूछ रहा है कि रेलगाड़ी कितने में मिलती है। तो यहाँ मास्टर जी ने अप्पू को उल्टा डांट दिया कि रेलगाड़ी को नहीं खरीद सकते, अगर खरीद भी लो तो उसको करोगे क्या आप रेलगाड़ी खरीद करके। वह खेलेगा जॉर्ज के साथ, खेलेगा रेलगाड़ी नहीं कंचा। चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर पर चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। अब क्या हुआ, ये जब सब हुआ तब क्या हुआ कि जो चपरासी आया वो अपने हाथ में एक नोटिस लेके आया कि जिन जिन बच्चों ने फीस नहीं जमा करी है वो जमा कर दें जा करके। तो अप्पू को याद आया कि उसको भी उसके पिताजी ने 1.5 रुपया दिया है फीस जमा करने के लिए। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा। 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। मास्टर जी ने किधर, मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन दी बेंच, वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। तो क्या हुआ कि वो भी फीस देने जाने के लिए रुका, जाने की कोशिश करी उसने, लेकिन मास्टर जी ने उससे रोक लिया कि फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं रुको और बेंच पर खड़े रहो। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा, वह दफ्तर गया। जब मास्टर जी ने उससे पूछा आगे से ध्यान दोगे कक्षा में, तो उसने जवाब दिया हाँ मैं ध्यान दूंगा। तो उसे जाने दिया मास्टर जी ने, वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं। क्लर्क बाबू ने बोला एक एक करके आए। पहले मैं आया हूँ, मैं ही आया हूँ, मेरे बाकी पैसे। इस शोरगुल में अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की, अब थोड़े से ही लड़के बचे हैं। तो अब क्या है, बाकी उसके जो साथी थे अप्पू के, उन सब ने फीस जमा कर दी। वह सोच रहा था जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना, शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, 5 पैसे 10 पैसे। तो अप्पू को अब यहाँ फीस भरने से भी कोई मतलब नहीं है। उसके मन में क्या चल रहा है, कंचे कंचे और सिर्फ हरी लकीर वाले गोल सफ़ेद कंचे। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वह भी चला मानो नींद से जागकर चल रहा हो। तो नींद से जब हम जागते हैं तो थोड़ा सा आलस होता है हमारे मन में, वैसे ही अप्पू भी चला जा रहा है बाकी बच्चों के साथ, जैसे नींद से जागकर उठा हो अभी। क्या सब फीस जमा कर चुके, कक्षा छोड़ने से पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोद कर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। फाटक के सीखचे थामे, उसने सड़क की तरफ देखा। वहाँ उस मोड़ पर दुकान है, दुकान में अलमारी, बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं, उनमें एक जार में पूरा, तो ये उसको जो है वो खेलने नहीं गया, वो अपने फाटक पर खड़ा हुआ था। उसने सड़क के पार देखा तो वहाँ पर एक छोटी सी दुकान है, दुकान में अलमारी है, वहाँ पर जार है, अलमारी के अंदर एक जार है शीशे का, उसमें खूब सारे कंचे भरे हुए हैं। तो वो सब विचार उसके मन में जो है घूम रहे हैं अभी तक। बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। दुकान नज़दीक आ गई, उसकी चाल की तेजी बढ़ी, वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा,
उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतज़ार में है। वह भी हंसा, कंचा चाहिए है ना, उसने सिर हिलाया। दुकानदार ने पूछा कंचा चाहिए। दुकानदार जार का ढक्कन खोलने लगा, तब अप्पू ने उससे पूछा अच्छे कंचे हैं ना। दुकानदार से बच्चा पूछ रहा है, यानी कि अप्पू पूछ रहा है। दुकानदार बोलता है बढ़िया फर्स्ट क्लास कंचे, तुम्हें कितने चाहिए, कितने कंचे चाहिए, कितने चाहिए कितने। उसने जेब में हाथ डाला, 1 रुपया और 50 पैसे हैं। उसने वह निकाल कर दिखाया, दुकानदार चौंका, इतने सारे पैसों के, सबके, पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम के कंचे नहीं खरीदे थे, इतने कंचों की ज़रूरत क्या है, दुकानदार ने पूछा बच्चे से, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा था उस समय, 1.5 रुपये की अहमियत बहुत होती थी। तो दुकानदार ने पूछा कि कभी इतनी बड़ी रकम के कंचे किसी लड़के ने नहीं खरीदे हैं, तुम्हें क्या ज़रूरत है। तो इस पर अप्पू ने जवाब दिया, वह मैं नहीं बताऊँगा कि मुझे क्या ज़रूरत है। इसने मना कर दिया अप्पू ने बताने से। दुकानदार समझ गया, वह भी किसी ज़माने में बच्चा रहा था, उसके साथ ही मिलकर खरीद रहे होंगे। उसको लगा कि सब बच्चे जो मिलकर के, जो एक बच्चे कंट्रीब्यूशन करके जो चीज़ें खरीदते हैं, तो दुकानदार को वो लगा कि मिलकर के ये बच्चे खरीद रहे हैं, यही उनके लिए खरीदने आया होगा। वह कंचे खरीदने के बाद जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है, वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है, उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया दे दो, दुकानदार हंस पड़ा, वह भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती से चिपटाए वह नीम के पेड़ों की छाँव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में है, जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिला कर देखा, वह हंस रहा था। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता, मतलब अगर वो जार को छूता तो उसे लगता कि उसने कंचे को छू लिया है। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीर होगी। उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया, बस्ता नीचे पटक कर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए, वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे थे। तो अचानक से जो हमारा अप्पू था, उसको शक हुआ कि जो सारे कंचे हैं उस पर वो हरी लकीर है या नहीं। उसने कहा कि चलो चेक करते हैं। उसने सड़क, मतलब वहाँ सड़क के किनारे उसने पोटली खोली कागज की और उसने देखना शुरू किया। इतने में क्या हुआ कि जो सारे के सारे कंचे थे वो सरक गए, पोटली जो है पूरी खुल गई और कंचे बिखर गए और सड़क के बीचों बीच पहुँच गए। क्षण भर सक पकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा, हथेली भर गई। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे, स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। 1, 2, 3, 4। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी, अब वो धीरे धीरे कंचे बीनने लगा और सारे कंचे जो है वो बस्ते में रखने लगा। स्लेट और किताब जो है उसने बाहर निकाल ली बस्ते से। इतने में सड़क पर एक कार ने ब्रेक लगाया, वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मग्न था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर झाँक कर देखा वह लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज़ सुन कंचे चुनते अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा, सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं, शायद वह भी मज़ा ले रहा है। हॉर्न की आवाज़ सुनकर के भी जो अपना अप्पू है वो क्या हुआ, साइड में नहीं हुआ, सड़क से नहीं हटा। उसको लगा कि शायद जो ड्राइवर है उसे भी कंचे पसंद होंगे, वो भी देख रहा होगा कि कंचे कितने सुंदर है, मज़ा ले रहा होगा कंचों का। एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा, बहुत अच्छा है ना। ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया, वह हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट किताब शीशी पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर आ गया। उसकी माँ शाम को चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। तो अब वो घर पहुँचा, ये सब वाक्य ख़त्म होने के बाद जो स्लेट किताब और शीशी पेंसिल थी वो सब उसके हाथ में थे और उसके बस्ते में क्या भरे हुए थे, कंचे थे। तो उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही थी शाम की चाय को तैयार करके, शाम की चाय बना करके। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वह दौड़ कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता ज़ोर से हिला कर देखा, अरे यह क्या है, माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊँगा, वह बोला, मुझसे नहीं कहेगा, कहूँगा। माँ आँखें बंद कर लो। माँ ने आँखें बंद कर ली। उसने गिना 1, 2, 3। माँ ने आँखें खोल कर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और हैरान हुई, इतने सारे कंचे कहाँ से लाया, खरीदे हैं पैसे। तो माँ जो थी वो बड़ी आश्चर्यचकित थी इतने सारे कंचे देख करके। तो माँ ने बोला, इतने सारे कंचे खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए। पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, दोपहर को दिए थे ना।
तो उसने पिताजी की तस्वीर की तरफ इशारा किया अप्पू ने और कहा, जो दोपहर को पापा ने पैसे दिए थे ना वो। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई, फीस के पैसे, इतने सारे कंचे काहे को लिए, आखिर खेलोगे इसके साथ, किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही था, उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन। तो माँ जो थी उसने दांतों तले उंगली दबा ली, यानी कि वो आश्चर्यचकित रह गए। ये भी एक मुहावरा है, दांतों तले उंगली दबाना। तो माँ ने बोला, ये तो फीस के पैसे थे, इतने सारे कंचे क्यों लिए तुमने, किसके साथ खेलोगे? क्योंकि उसके घर में सिर्फ वही एक बच्चा था, उसके बाद एक छोटी बहन भी हुई थी मुन्नी, मगर अब वो नहीं रही। माँ की पलकें भीग गईं, उसकी माँ रो रही है। अप्पू जान नहीं सका कि माँ क्यों रो रही है, क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर तो अब अप्पू बड़ा परेशान था कि माँ क्यों रो रही है, अगर मैंने कंचे खरीदे हैं इस चीज़ के लिए रो रही है तो इसमें रोना कैसा? ऐसा अप्पू के मन में विचार आ रहे थे। उसकी आँखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों नहीं पसंद आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं, बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हो, उसने कहा। बुरे कंचे हैं, है ना? नहीं, अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, है ना? बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ माँ और अप्पू के बीच में ये जो है वार्तालाप हो रहा है। अप्पू बोल रहा है कि ये अच्छे नहीं लगे आपको, तो माँ ने बोला, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कंचे बहुत अच्छे हैं। वह हंस पड़ा, उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी। तो इस कहानी को लिखा है टी पद्मनाभन जी ने। तो इस कहानी के अंदर जो है वो एक बच्चे की जो कल्पना है उसको बहुत ही अच्छे से उतारा है लेखक ने। बच्चों को जीवन की वास्तविकता से कुछ लेना देना नहीं होता, वो तो बस अपनी दुनिया में रहते हैं। लेखक इस कहानी के माध्यम से बाल मन को दिखाने में बहुत अच्छी तरह क्या हुए हैं, सफल हुए हैं। तो ये थी कहानी कंचा, कक्षा 7 CBSE बोर्ड बसंत से। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।